हेलो दोस्तों, ये है हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। आज मैं एक्सरसाइज यूनिट चालू करने जा रहा हूँ। होल नंबर में ये है पहला पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, नेचुरल नंबर। होल नंबर हम आज बताने जा रहे हैं, होल नंबर 3 यूनिट, RS अग्रवाल का 3 यूनिट क्लास 6 का होल नंबर है, तो उसका हम आज बताने जा रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को, गिनती वाला नंबर जो होता है, गिनती वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती का संख्या कौन है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 9, 10, 11, 12, सो ऑन, ये सब नंबर हमारा नेचुरल नंबर है। अगला होता है नेचुरल नंबर का मतलब आप समझ गए, काउंटिंग के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अगला इंग्लिश में उसको लिखेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए अगला है होल नंबर, आज ये यूनिट भी होल नंबर ही है, तो इसमें होल नंबर कैसे होता है? तो देखिए होल नंबर जो है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, सारा नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। ऑल दी, तो इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ऑल दी नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। देखिए होल नंबर जैसे जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन, जितना भी होगा वो सब हमारा होल नंबर होगा, जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर। देखिए उसके बाद आप बात समझ गए होल नंबर क्या होता है, तो हमारा हो गया 0 + 1, 2, 3, 4, 5, सारा काउंटिंग नंबर हमारा होल नंबर होता है इंक्लूडिंग जीरो। और उसके बाद हमारा जीरो जो होता है ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर होल नंबर है जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, सारा नेचुरल नंबर, देखिए सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन जीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है, बट जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर हमारा नहीं होता है। तो आप समझ गए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल नंबर किसे कहते हैं, जब नेचुरल नंबर के आगे जीरो ऐड करके तब हम लिखते हैं काउंटिंग नंबर को, तो वो हमारा होल नंबर होता है। देखिए अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये डिफिनेशन सब नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे है हमारा सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, सक्सेसर क्या होता है, होल नंबर का सक्सेसर क्या होता है। देखिए इफ वी एड 1 to a whole number वी गेट द नेक्स्ट होल नंबर कॉल इट्स सक्सेसर। जब हम किसी होल नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, जब किसी होल नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे तो हम उसका नेक्स्ट नंबर जो पाते हैं वो उसका सक्सेसर होता है। जैसे आपको हम एक बात बता दें, देखिए सक्सेसर ऑफ होल नंबर कहने का मतलब क्या है, सक्सेसर ऑफ होल नंबर कहने का मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी नंबर में होल नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो उसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा सक्सेसर ऑफ होल नंबर होगा। जैसे इसका सक्सेसर, देखिए जैसे एग्जांपल एक देते हैं, 999 का सक्सेसर ऑफ 999, देखिए सक्सेसर ऑफ 999, तो हम क्या होगा इसमें 1 ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा 100, मतलब 999 का सक्सेसर 1000, मतलब 999 का सक्सेसर हमारा क्या हुआ, 1000 हुआ। अगर हम पूछेंगे, अगर हम बोलेंगे सक्सेसर ऑफ 10, तो क्या होगा, 10 + 1 = 11, ये हमारा सक्सेसर होगा। मतलब जस्ट किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो उस होल नंबर में 1 ऐड कर दीजिए तो उसका नेक्स्ट होल नंबर जो आएगा वो उसका सक्सेसर होगा। जैसे 11 का 12 होता है सक्सेसर, 12 का 13 होगा सक्सेसर, 13 का 14 होगा सक्सेसर, इसी तरह से होगा। तो देखिए
हम क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे इसको ऐसे, इफ वी एड वन टू अ होल नंबर वी गेट द नेक्स्ट होल नंबर कॉल इट सक्सेसर। जो इसका सक्सेसर होगा, वन किसी होल नंबर में ऐड करेंगे उसका नेक्स्ट नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर होगा। द सक्सेसर ऑफ जीरो इज वन, जीरो का सक्सेसर वन होता है। जीरो में जब वन ऐड करेंगे तो वन आएगा, जीरो में जब वन ऐड करेंगे तो वन आएगा, तो जीरो का सक्सेसर हमारा वन आया। उसी तरह सक्सेसर ऑफ वन इज टू, वन में जब वन ऐड करेंगे तो टू आएगा, तो वन का सक्सेसर हमारा टू हुआ। द सक्सेसर ऑफ ट्वेल्व इज थर्टीन, ट्वेल्व में जब वन ऐड करेंगे तो थर्टीन आएगा, तो हमारा ट्वेल्व का सक्सेसर थर्टीन होगा। सो ऑन एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर, प्रत्येक होल नंबर का अपना सक्सेसर होता है। देखिए अब आगे हम प्रीडिसर बताने जा रहे हैं। देखिए आगे हमारा है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, देखिए यहां पर हम बताने जा रहे हैं अगला होल नंबर का प्रीडिसेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर ऑफ अ होल नंबर, वन लेस देन अ गिवन होल नंबर अदर देन जीरो इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, किसी भी नंबर में से, किसी भी होल नंबर में से अगर ए वन माइनस कर देंगे तो जो होल नंबर आएगा वो उसका प्रीडिसेसर होगा, मतलब जस्ट पहले वाला एक नंबर, जस्ट पहले वाला अगर कोई होल नंबर है उसका जस्ट पहले वाला होल नंबर लिख दीजिए तो वो उसका प्रीडिसेसर होता है। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी होल नंबर में से हम वन माइनस कर दें तो जो नया नंबर आएगा, जो अगला नंबर आएगा वो हमारा प्रीडिसेसर होगा। जैसे दस द प्रीडिसेसर ऑफ वन इज जीरो, वन का प्रीडिसेसर हमारा जीरो होता है, मतलब वन में से वन घटाएंगे जीरो आएगा। द प्रीडिसेसर ऑफ टू इज वन, मतलब टू में से वन घटाएंगे तो वन आएगा। द प्रीडिसेसर ऑफ टेन इज नाइन, टेन में से एक घटाएंगे नाइन आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह तो द होल नंबर जीरो डज नॉट हैव इट्स प्रीडिसेसर, होल नंबर जो जीरो है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है, उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है। एवरी होल नंबर अदर देन जीरो हैज इट्स प्रीडिसेसर, जीरो को छोड़कर बाकी सभी होल नंबर का प्रीडिसेसर होता है। देखिए प्रीडिसेसर एग्जांपल एक दो दे देते हैं, जैसे एग्जांपल प्रीडिसेसर ऑफ 1000, इसका मतलब हुआ 1000 में से एक घटा दीजिए तो ये 999 हो जाएगा। देखिए प्रीडिसेसर ऑफ 1000 हमारा 999 हो गया। उसके बाद अगर प्रीडिसेसर ऑफ, देखिए अगर बोलेंगे प्रीडिसेसर ऑफ 999 कोई बोला तो इसका मतलब 999 में से इस होल नंबर में से एक घटा दीजिए तो ये 998 हो जाएगा। देखिए वन माइनस करने के बाद, मतलब जस्ट पहले वाला, उसका जस्ट पहले वाला, किसी भी होल नंबर में उसका जस्ट पहले वाला जो होल नंबर है वो उसका प्रीडिसेसर होता है। सक्सेसर का मतलब क्या समझ बताए, जस्ट बाद वाला, वन ऐड करते हैं तो जस्ट बाद वाला आता है, तो बाद वाला जो हमारा नंबर होता है वो सक्सेसर होता है, पहले वाला नंबर हमारा प्रीडिसेसर होता है। कोई नंबर है अगर 10 का कोई सक्सेसर पूछा तो 10 का सक्सेसर का मतलब 10 के बाद वाला, तो 11 हमारा सक्सेसर हुआ। तो अगर कोई प्रीडिसेसर 10 का पूछा तो 10 का पहले वाला 9 हमारा प्रीडिसेसर होगा। तो हम लिखेंगे 9 इज प्रीडिसेसर ऑफ 10 और लिखेंगे 11 इज सक्सेसर ऑफ 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ।